हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज ये देखिए, मैं कुछ अलग तरह का पैटर्न लेकर आई हूँ। इसे आप कार्डिगन में, गर्ल स्वेटर में, इस तरह से स्लीव्स में आप बना सकती हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। या फिर गले पर आप इसे एज ए लेस भी सेट कर सकती हैं। रॉन्ग साइड से ये कुछ इस तरह का दिखता है और राइट साइड से तो ये देखिए कितना सुंदर सा छोटे छोटे से फ्लावर्स से इसमें बने हुए हैं। तो चलिए आज हम मिलकर इस पैटर्न को बनाना सीखते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 8 के मल्टीपल में फंदे डालने होंगे, 8+8+8 करके, और एक फंदा हम एक्स्ट्रा डालेंगे पैटर्न को सेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने देखिए 8 के मल्टीपल में 23 स्टिच डाले हैं और एक फंदा एक्स्ट्रा, तो टोटल हो गए हमारे 24, 24 स्टिचेस जिन पर हम पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न की पहली लाइन हमारी राइट साइड की होगी। पहला फंदा हमने सिंपल से बुन लेना है, ऊन अपनी तरफ, सात फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक हमारा एज स्टिच, सात फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा इस तरह से पीछे की तरफ से, ऊन अपनी तरफ, सात फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उन पीछे की तरफ देखिए, एक एज स्टिच, सात उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक सीधा, फिर से सात उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक फंदा सीधा पीछे की तरफ से, ऊन अपनी तरफ, सात उल्टा, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और ये एक हमारा एज स्टिच। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकेंड रो जो कि रॉन्ग साइड की है, हर बार रॉन्ग साइड में हम उल्टा उल्टा बुनेंगे सारे फंदे। और इन्हीं दो लाइनों को दोहराते हुए हमें टोटल 12 लाइन कंप्लीट करनी है। उसके बाद फिर हम फ्लावर वाला पैटर्न बनाएंगे। तो चलिए हम पहले 12 लाइन पूरी कर लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये 12 लाइन है, तो हम पहले 12 लाइन पूरी कर लें, फिर देखेंगे कि 13वीं लाइन में, 13th रो में हमें क्या करना है। 13th रो राइट साइड, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, सात फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये देखिए सीधा फंदा आ गया, ऊन पीछे की तरफ। अब हमने इसमें फंदे बढ़ाने हैं, 1 फंदा बढ़ाएंगे और एक बुनेंगे, 3 फंदे हो गए 1 से, फिर से ऊन अपनी तरफ, 5 अपनी तरफ करके एक बार फिर इसी में बुनेंगे, 7 और एक बार और बुन देंगे ताकि 9 फंदे हो जाएं एक में। ये देखिए हमने एक में 9 फंदे बढ़ा लिए। बीच के 7 फंदे उल्टे, 1 बार फिर रिपीट करेंगे सीधे फंदे में, 1 ऊन अपनी तरफ, 3 फंदे बन गए, फिर से ऊन अपनी तरफ और सीधा बुनेंगे तो 2 फंदे बनेंगे, 5 हो गए, फिर से ऊन अपनी तरफ, 7 फंदे बन गए, एक बार और हमें टोटल 9 फंदे निकालने हैं एक में। ये देखिए
बाकी बचे हुए फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये एज स्टिच, 13th रो कंप्लीट, 14th रो रॉन्ग साइड। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये सात फंदे उल्टे हो गए। अब यहाँ पर देखिए, एक फंदे में हमने 9 फंदे निकाले हैं। पहला फंदा उल्टा उन पीछे की तरफ, सीधा, फिर से एक फंदा उल्टा, ये सीधा फंदा था, सीधा उन अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर से सीधा, उल्टा, सीधा, और ये 9वां फंदा उल्टा। यानी इन 9 फंदों को हमें उल्टा सीधा करके बुनना है, और ये बीच के 7 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7, एक बार फिर हम एक में बने हुए 9 फंदों को बुनेंगे सेम उसी तरह से, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, ये लास्ट वाला उल्टा। अब हमारे पास 7 उल्टे फंदे बच गए हैं, उल्टा बुन लेंगे। चौदह लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। 15th रो राइट साइड की, पहला फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ पर 7 उल्टे फंदे हैं, इनमें से 6 हम बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6, एक फंदा हमने नहीं बुना है, तो अब उनको पीछे करेंगे। और देखिए, इस फंदे को हम इसके साथ मिलाकर बुनेंगे ऐसे। उल्टा फंदा, ये सीधा, फिर से उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, और ये उल्टा, ये लास्ट वाला सीधा फंदा, इसे हम इसके साथ बुनेंगे इस तरह से। पहले इसे सीधा कर लेंगे ऐसे, उन अपनी तरफ, 1 2 3 4 5, 5 फंदे बीच में उल्टे। एक बार फिर 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे ऐसे, और बाकी बचे हुए फंदे जैसे हैं बुन लेंगे। उल्टा है तो उल्टा बुन लेंगे, सीधा है तो सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से ये फ्लावर शेप अपने आप आ जाएगा। देखिए, इस फंदे को इसके साथ मिलाकर बुनना है ताकि ये टेढ़ा जाए ऐसे। बाकी बचे हुए फंदे उल्टे। फिफ्टींथ रो हमारी कंप्लीट हो गई राइट साइड की। अब हम 16th रो रॉन्ग साइड की बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे उल्टे, ये एक फंदा
भी उल्टा है। तो पहला फंदा हमने स्लिप किया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे उल्टे बुने। देखिए ये सीधा फंदा है, यहाँ पर एक फिर एक्स्ट्रा फंदा बनाते हुए इसे सीधा बुनना है इस तरह से। फिर से उल्टा, फिर से एक एक्स्ट्रा फंदा बनाते हुए सीधा, फिर एक अपनी तरफ करते हुए इसे उल्टा बुनेंगे। ये सीधा फंदा है तो इससे पहले एक और फंदा बढ़ाएंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे, सीधा फंदा से पहले एक फंदा बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 फंदे उल्टे हमारे बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5, एक फंदा और, 6 फंदे। अब अगला पैटर्न में देखिए, ये उल्टा फंदा है पहला वाला, दूसरा सीधा, तो सीधा से पहले एक फंदा बढ़ाएंगे, ऊन अपनी तरफ एक उल्टा, एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर ऊन अपनी तरफ सीधा बुनने से पहले एक फंदा बढ़ाएंगे, सॉरी ये उल्टा फंदा था, ये सीधा फंदा है, ऊन अपनी तरफ एक उल्टा, सीधा एक उल्टा, फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। अब देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे उल्टे बचे हुए हैं। सिक्सटीन्थ रो हमारी कंप्लीट हो गई, 17th रो हमारी राइट साइड की है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 1 2 3 4 5, देखिए पहला फंदा हमने स्लिप किया और 1 2 3 4 5, 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद उन पीछे की तरफ ये जो सीधा फंदा है इसे एक फंदे के साथ मिलाकर बुन लेंगे। अब देखिए एक सीधा फंदा और एक सीधा फंदा के बीच में 2 उल्टे फंदे हो जा रहे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। ये सीधा, फिर ऊन अपनी तरफ 2 उल्टा, एक सीधा 2 उल्टा, एक सीधा 2 उल्टा, और ये जो लास्ट वाला सीधा फंदा है इसे इसके साथ मिलाकर बुनेंगे। इसके लिए इसे पहले सीधा कर लेंगे और उसके बाद फिर ऐसे बुनेंगे। अब थोड़ा थोड़ा ये फ्लावर समझ में आने लग गया, बीच में 1 2 3 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर से ये दोनों फंदे एक साथ, 2 उल्टा एक सीधा, 2 उल्टा एक सीधा, 2 उल्टा एक सीधा, फिर से 2 उल्टा, ये लास्ट वाला सीधा है तो इसे इसके साथ मिलाकर बुनेंगे ऐसे। देखिए कितने फंदे बचे, 1 2 3 4 5, 5 उल्टे फंदे और एक एज स्टिच, 1 2 3 4 5 और ये एज स्टिच। ये हमारी 17वीं लाइन कंप्लीट हो गई, 18th रो रॉन्ग साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये एक 6, एक एज स्टिच, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, फिर से एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टा, फिर से एक फंदा सीधा, 2 उल्टा,
और ये सीधा। बचे हुए फंदों को बीच के जो फंदे हैं इन्हें उल्टा बुन लेंगे। वन टू थ्री फोर, और ये फाइव। पांच फंदे हमने दो पैटर्न के बीच में उल्टे बुने। अब देखिए दो सीधा फंदा आ गया, एक दो, दो सीधा, फिर एक उल्टा, फिर से दो सीधा, एक उल्टा, फिर से दो सीधा, एक उल्टा, फिर से दो सीधा, और ये एक उल्टा। तो ये फ्लावर के पैटर्न मेरे कंप्लीट हो गए। अब ये लास्ट किनारे के फंदे बचे हैं, तीन दो पांच फंदे उल्टे और ये एक एज स्टिच, तो टोटल छह फंदे उल्टा बुन लेते हैं। अठारह लाइन हमारे कंप्लीट हो गए। नाइनटीन थ्रो है हमारी राइट साइड की। एक एज स्टिच हमने बुना, वन टू थ्री फोर, चार फंदे उल्टा बुनने के बाद दो फंदे एक साथ। ये देखिए इधर के फंदे घटते जा रहे हैं। बीच में दो उल्टे फंदे हैं, फिर एक सीधा फंदा है, फिर से दो उल्टे फंदे, एक सीधा, दो उल्टा, एक सीधा, दो उल्टा, और देखिए ये लास्ट का सीधा फंदा इसके साथ मिलाकर बुन देंगे। तो दोनों तरफ फ्लावर के घटता जाएगा और बीच में हमने फंदे बढ़ा लिए थे। बीच में वन टू, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और ये दो फंदे एक साथ, दो उल्टा, एक सीधा, दो उल्टा, एक सीधा, दो उल्टा, एक सीधा, दो उल्टा। देखिए लास्ट वाला सीधा फंदा इसके साथ मिलाकर। ये लास्ट के फंदे, बीसवीं लाइन हमारी रॉन्ग साइड की है। जो सीधे फंदे हैं उन्हें सीधा बुनेंगे, जो उल्टा फंदा है उसे उल्टा बुन लेंगे। सारे फंदे उल्टे उल्टे हैं, ये सीधा फंदा है, एक दो सीधा, फिर से एक उल्टा, दो सीधा, फिर से एक उल्टा, दो उल्टा, एक सीधा। तो हम जो सीधे फंदे हैं सीधा बुनेंगे, जो उल्टे फंदे हैं उल्टा बुन लेंगे। और देखिए इन 20 लाइन के साथ हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। ये देखिए पहले हम बंद कर लेते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि ये किस तरह का दिख रहा है। सारे फंदे बंद कर लेते हैं। 20 लाइन बुनने के बाद 21वीं लाइन में हमें बंद करना है। हम पहले बंद कर लें, फिर देखेंगे कि फ्लावर कैसा दिखता है। और देखिए सारे फंदे बंद कर देने पर हमारा कुछ इस तरह का शेप आ गया। इस कलर में देखिए
आप भी इस पैटर्न को ज़रूर बनाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।